आपको बताएं कि कराची के इंटर बोर्ड के 60% बच्चे फेल। दाऊद यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत पर सहाफियों के सवाल पर वजीर आला सिंध मकबूल बाकर अजीब मंतक ले आए। सहाफी ने कहा कि सर वो इंटर के बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आला सिंध बोले, भाई जो बच्चे फेल हो गए उनका एहतजाज करने का मकसद समझ से बालातर है, वो आइंदा के लिए तैयारी करें और पास हो जाए। सर वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सर आप एहतजाज हैं। निगरान दौरे हुकूमत में मुलाजमीन की गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ हुआ है। वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने महकमे तालीम में मुलाजमीन के गैर कानूनी तरक्कियाँ रोकने का हुक्म दे दिया। वजीर आला कहते हैं कि महकमा तालीम सिंध में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बड़े पैमाने पर तरक्कियां हुई। बेशतर तरक्कियों में अकरुबा परवरी सनॉट्री के खिलाफ वर्जी और दीगर शिकायत मौसूल हुई। वजीर आला ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को गैर कानूनी प्रमोशंस पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का हुक्म भी दे दिया। आपको बताएं कि कराची के इंटर बोर्ड के 60% बच्चे फेल। दाऊद यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत पर सहाफियों के सवाल पर वजीर आला सिंध मकबूल बाकर अजीब मंतक ले आए। सहाफी ने कहा कि सर वो इंटर के बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आला सिंध बोले, भाई जो बच्चे फेल हो गए उनका एहतजाज करने का मकसद समझ से बालातर है, वो आइंदा के लिए तैयारी करें और पास हो जाए। सर वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सर आप एहतजाज हैं। निगरान दौरे हुकूमत में मुलाजमीन की गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ हुआ है। वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने महकमे तालीम में मुलाजमीन की गैर कानूनी तरक्कियाँ रोकने का हुक्म दे दिया। वजीर आला कहते हैं कि महकमा तालीम सिंध में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बड़े पैमाने पर तरक्कियां हुई। बेशतर तरक्कियों में अकरुबा परवरी सनॉट्री के खिलाफ वर्जी और दीगर शिकायत मौसूल हुई। वजीर आला ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को गैर कानूनी प्रमोशंस पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का हुक्म भी दे दिया।